हिंदू में सर्वश्रेष्ठ है, पंडित है, ब्राह्मण है, सबसे बड़े पंडितों में भी सबसे बड़े पंडित है। आरक्षण खत्म होना चाहिए। अगर आईएएस की 4 साल कर रहे हैं तो जितने बाकी सुन लीजिए देश के लोगों, सुन लीजिए, ये महिला कह रही हैं, बुजुर्ग महिला है, ये कह रही हैं कि सारी नौकरियों को 5 साल कर दो। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मतलब आम लोगों से आपका रूबरू होना वाजिब है। यहाँ लोग आते हैं, देश भर से लोग आते हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे यूपी के जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं। हैं ये कौन लोग हैं? ग्राम चौकीदार हैं जी। किस मांग को लेकर आए हैं आप यहाँ पे? सर वो सैलरी के लिए और जिसे परमानेंट वेतन करने के लिए। सैलरी नहीं मिल रही आप लोग? सैलरी मिल रही सर, लेकिन 2500 मिलती है। 2500 रुपये में अभी काम कर रहे हैं जी? 2500 या 25,000? 2500 सर मात्र, इसीलिए तो मैं 2500 सर। कब से? सर काफ़ी दिन से यही है। कितने दिनों से? सर हम तो अभी 1 साल हुआ चौकीदार हुए। कितना सैलरी चाहते हैं? जैसे सबकी मांग है 18,500। तो 2500 पर कितने घंटे की ड्यूटी है सर? जैसे वैसे तो लगाते हैं, जैसे जब बुलाते हैं तब जाते हैं, लेकिन वैसे महीने में 2 दिन ड्यूटी बुलाते हैं। तो मिनिमम आय से भी कम है, मतलब मैं क्या मैं कहना चाहता था, देखिए ये लोग जो हैं उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और इनका ड्यूटी 24 घंटे का है। 24 घंटे का सब लोग जरा यहाँ आप लोग रुके हैं। आप ही मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी गवर्नमेंट से कि क्या 2500 रुपये में कोई व्यक्ति अपना परिवार चला सकता है क्या? नाम बता दीजिए। राम शंकर ओझा नाम है मेरा। पक्का? पक्का, मैं उनमें से हूँ। 10 साल लड़ाई लड़ा हूँ मैं यहाँ पर इस जंतर मंतर पे और 10 साल के बाद आया हूँ। ओझा जी हो कि आप मोदी सरकार योगी सरकार से सवाल की, और मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ और इनकी कांग्रेस की बात, मैं वहाँ धो डालूंगा इस सभी को। धोइए धोइए। क्यों? देश आजाद हुआ और आज तक, अभी ये कह रहे थे इंदिरा जी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, अरे बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने बुराई कांग्रेस की, बढ़ाई आप बीजेपी की। बढ़ाई मैं सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने किया 75 साल। ये देखिए हमारे 75 साल कैसे हो गया भाई, अभी तो आजादी के 75 साल हुए। अरे मतलब 60 साल तो कांग्रेस ने करी है ना। बीजेपी ने कितना किया? 10 साल हुआ। वाजपेयी वाला कहाँ? वाजपेयी वाला तो वो घलुआ में गया, वो 33 का गठजोड़ था उस समय, ये खिचड़ी पकाई गई। मोदी जी वाले में तो 40 का गठजोड़ 40 है, लेकिन यहाँ चलती है मोदी जी की। आप सामने एक हमारे भीम मोदी जी का, हमको एक दो काम अच्छा बताइए। बहुत सारे काम उन्होंने किया है, एक आध दो बताइए। चलिए अभी जी समिट हुआ, तुरंत का ले लीजिए, जी समिट हुआ बहुत अच्छा। आपका क्या फायदा हुआ? फायदा इसमें जो अभी कॉरिडोर बनेगा उसमें बहुत सारे हमारे देश के लोग जाएंगे, काम करेंगे, आय बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। पर खर्चा हुआ है जी कर जी, ये जी हुआ होगा, ये तो लोग कोई 4800 करोड़ कर रहा है, कोई 400 करोड़ कर रहा है, मुझे इसे नहीं दे देना। जब कोई बड़ा काम होता है पैसा लगता है। क्या कभी कांग्रेस ने कराने के लिए सोचा था क्या? कांग्रेस ने 100 देशों की मीटिंग कराई थी 100 देशों का। उस समय क्या इसका कोई समाज में गया प्रतिक्रिया? हम भी थे उस समय। उस समय भांड मीडिया, अरे सुनिए ना भाई, उस समय भांड मीडिया नहीं थी, उस समय सरकार से अच्छा। मीडिया सवाल पूछती थी। हाँ, दूसरा काम बताइए जी समिट से, तो सीधे हमको तो कोई फायदा नहीं। अच्छा आपको नहीं लगा, लेकिन हमें लगता है कि देश का नाम। एक मिनट रुकिए, दूसरा काम बताते हैं हम। अभी जो है रोजगार के बारे में आ जाते हैं, यदि ये जी समिट से रोजगार आएगा, प्लस अभी 9 साल का गवर्नमेंट आएगा, छोड़ दीजिए अभी 9 साल में क्या क्या अच्छा हुआ है वो बताइए। 9 साल में तो बहुत सारे अच्छा हुआ, बताइए ना। लगाम लगा, देखिए घुसखोरी पे, जमाखोरी पे है ना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा। इसमें स्विस बैंक में पैसा, काला धन बढ़ गया। हाँ बढ़ गया है, तो किसका बढ़ा है ये आप लोग बताए ना। हम विदेश भाग गया लोग पैसा लेके, वो लेके भागे है ना, वो कब पैसा लिए थे, किसके राज्य में भागा, किसके राज्य में भाग गया, तो मोदी के राज्य में। हाँ। पैसा लिया किसके राज्य में? तो जो भाग गया जिसके कर, लोन लेने का तो आपको भी अधिकार है, लोन लेके भाग जाइए तब ना गड़बड़ी। हमें तो मिलेगा नहीं, हम लोग आम लोग हैं, हमें तो मिल ही नहीं सकता। अच्छा मोदी जी रोजगार कहाँ बढ़ाए सो बताइए। हाँ रोजगार जो है अभी बहुत सारी सेक्टर आई है विदेश। अरे 9 साल में बताइए क्या सेक्टर आया विदेश? अरे विदेश से बहुत सारे काम आए हैं, जैसे आईटी में आया है आपको जो है ना, आपको बहुत छोटे मोटे कारखाने आए हैं। वो आपका कारखाना है क्यों? जिनको अग्निपथ पे रखा गया था, जिन लोगों को, जिन बच्चों को अग्निपथ का वो दे करके, और अग्निपथ के आप समर्थन में है? हाँ? बिल्कुल पक्के समर्थन में। अपने बच्चा को 4 साल के लिए नौकरी पर देख लीजिए, उनमें बहुत सारे बच्चे। माता जी, आप 4 साल के लिए अपने बच्चे को भेजेंगे नौकरी पर?
क्या करता है आपका बच्चा ही नहीं होगा तो मैं जरूर भेजूंगी। आपका बच्चा ही नहीं है? नहीं है। मैं तो आपका बच्चा कर रही हूं। आप अपने बच्चे को भेजेंगी 4 साल की नौकरी? होता तो मैं जरूर भेज देती। बच्चा ही नहीं है आपका? अभी नहीं, नहीं है ना, तो मैं क्या करूं? ये बात नहीं है। मैं आपको लगता है कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी अच्छा है? बिल्कुल सही है, आपको बता दूं। अभी जिन लोगों ने करी 4 साल, आईएएस की नौकरी 4 साल कर दिया जाए? हाँ करनी चाहिए, उनका भी करना ये चाहिए। आप जाने, मैं आईएएस का भी वो, और मोदी जी का कौन सा काम? की नौकरी कितने साल करेंगे? अगर आईएएस की 4 साल कर रहे हैं तो जितने बाकी है, प्रधानमंत्री की भी नौकरी 4 साल का कर दिया जाए? की कर दो, 5 साल की है तो 5 साल के बाद आप सुन लीजिए, देश के लोगों सुन लीजिए, महिला कह रही है, बुजुर्ग महिला ये कह रही है कि सारी नौकरियों को 5 साल कर दो। देखिए 5 साल सारी नौकरियों को क्यों, जब आप बोल रहे हो तो मैंने आपके शब्दों पे ही। अरे तो 4 साल का अग्निवीर आपको पसंद है ना? मत चलाओ, आप अपनी मत चलाओ। हमको तो नहीं पसंद है 4 साल का नौकरी। की नौकरी वो कहाँ कर रहे हैं अग्निवीर? उनको 4 साल की ट्रेनिंग दी गई थी और उस ट्रेनिंग में उनको जानकारी नहीं है। बहन जी आपको जानकारी नहीं है, मुझे एक एक जानकारी अच्छे से है। और क्या पसंद है? और आसमान तक जानकारी है, और क्या जमीन के अंदर से जानकारी, क्या चीज पसंद करना आप बताइए। मोदी जी का और कौन सा काम पसंद? मोदी जी ने बहुत किया, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हो गया, मोदी जी ने जो है धारा 370 हटाई। 370 धारा हटने से क्या फायदा हुआ? उससे फायदा ये हुआ है कि आज जो इधर के लोग थे वो कश्मीर जम्मू कश्मीर में जाकर के ना जमीन खरीद सकते थे और ना ही मकान खरीद सकते लिया प्लॉट, ना ही अपना बिजनेस कर सकते थे। आपने लिया प्लॉट? अरे मुझे अकेले के लिए क्या मतलब है, हम बाकियों की बात कर रहे हैं, आप एक आम जनता की बात कीजिए। पता है तीन जवान कल शहीद हुए हैं। जवान तो रोज शहीद होते, क्या कांग्रेस के टाइम में जवान शहीद नहीं होते? तो बीजेपी वाले क्यों हंगामा मचा? जितना जवान शहीद हुआ है, जितना जवान शहीद हुआ 70 सालों में, उतना तो कभी नहीं शहीद हुआ। और उसके बाद में जो 70 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, अमेरिका का हथौड़ा होता था, नहीं तो हम जो है भारत को नेस्त नाबूद कर देंगे। अगर जो है तुमने जो है पीओके पाकिस्तान को नहीं दिया, पाकिस्तान के ऊपर जब इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे कितने जवानों का खून बहा है, शहीद हुए, पाकिस्तान के दो टुकड़े किसने किए? नहीं देंगे। पाकिस्तान का दो टुकड़े करने वाला नेहरू था और गांधी था, समझे, और जिन्ना था। ये लोग इन लोगों ने किए थे। अच्छा, इनकी मिली भगत पे हुआ था, अगर इनकी मिली भगत पे नहीं होता तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। इंदिरा गांधी ने तो इंदिरा गांधी ने दो टुकड़े किए थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान के इंदिरा गांधी ने दो टुकड़े किए नहीं किए ये नहीं पता, बट भारत के टुकड़े हुए पाकिस्तान, भारत के दो नहीं, भारत के और भी टुकड़े हुए। कौन भारत के टुकड़े किए थे? कौन भारत के टुकड़े किए थे? सबसे पहले टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? मुझे इससे कोई वो नहीं कि टू नेशन थ्योरी किसने दी, थ्री नेशन थ्योरी किसने दी, जो था गांधी जी की देन थी। आज गांधी जी के अभी तो बहुत अच्छा हुआ कि गोडसे नहीं मार दिया। अभी तो गांधी जी अभी जब G20 हुआ तो गांधी जी के राजघाट जाकर सारे नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने उनको याद किया। भाई वो तो सभी याद करते हैं, वो तो किसी भी पक्ष का। आप इतनी आलोचना कर रही हैं और प्रधानमंत्री आपका याद? अपनी आलोचना अपनी जगह है और दूसरी चीज अपनी जगह है। और मोदी जी का कौन सा काम पसंद है? मोदी जी ने, मैं बता तो रही हूँ कि महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक वाला किया, धारा 370 किया। वो तो खुद उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ दिया है। देखिए किसी के ऊपर पर्सनल आक्षेप आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना। महिला है आप, एक महिला को आपने ये कैसे कह दिया कि छोड़ दिया? उन्होंने उनको जो है पढ़ाया लिखाया, उनको शिक्षा दी, वो कहाँ गया? 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी शादी हो चुकी है। अच्छा चलिए आपकी हम पूरी बात मान लेते हैं, वो तो एक प्रधानमंत्री थे या वहाँ पहले मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री थे तो आप पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ दीजिएगा? यहाँ उनकी पत्नी रहती है उनके साथ। भारत का नॉर्मल आदमी कितना है अपनी पत्नियों को बिना तलाक दिए छोड़ा है? और कौन उसका? आप उसके पक्ष में हैं? आप ऐसे काम के पक्ष में? कैसे काम के पक्ष में? जो अभी प्रधानमंत्री आवास में जगह नहीं, उनकी पत्नी नहीं रह सकती है, परिवार रखना बेकार है। नहीं नहीं, जो सनातनी बना रहता है ना, जो बीवी छोड़ देता है, जो साधु संत बनता है वो अपना घर परिवार अपने माँ बाप अपने बच्चे सब कुछ छोड़ता है। जो संत बन जाता है वो सब कुछ छोड़ता है। प्रधानमंत्री संत है? प्रधानमंत्री संत थे। संत को तो मंदिर, संत थे, संत थे, समझे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बड़े बड़े मठ है उसमें संत नहीं रहता है, उसमें बड़े मठों में संत नहीं रहता है। तो संत जी ने, प्रधानमंत्री ने और क्या क्या अच्छा किया है बताइए? देश को चुनाव आ रहा है, जिस चीज को, जिस ताले को, राम जन्म भूमि के ताले को जो है उन्होंने बोला नेहरू जी ने कि वो अरे घिसते घिसते घिस जाएगा एक दिन, ठीक है, उसको जो है कोई भी इंदिरा आई उन्होंने भी नहीं खुलवाया,
राजीव आए उन्होंने भी नहीं खुलवाया है, और राहुल ने भी कभी कोशिश नहीं की। बनने से हमारे जैसे लोगों को क्या फायदा होगा माताजी? क्यों, हमारी धार्मिक आस्था है, हमारे रामलला जो आज तक अंदर कैद थे एक टेंट के अंदर, कम से कम उनको बाहर निकाल करके रखने वाला काम तो किया जो है मोदी जी ने। आप धर्म के नाम पर वोट देती हैं या काम के नाम पर? देखिए हम काम भी देखते हैं और वो भी देखते हैं, और हम पक्के सनातनी हिंदू हैं, तो आज अगर कोई सनातनी हिंदुओं के लिए आवाज उठाता है, हिंदू में कौन जात है? कान काट के रखना मेरा काम है। हिंदू में कौन जाती है? हिंदू में सर्वश्रेष्ठ है, पंडित है, ब्राह्मण है, सबसे बड़े पंडितों में भी सबसे बड़े पंडित है। क्यों सर्वश्रेष्ठ? क्यों सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ क्यों है? पंडित जो है सबसे बड़े ब्राह्मण हम है, सबसे बड़े पंडित हम है, हम शुक्ला है, मेरा गर्ग गोत्र है, मामखोर के हम है, उसके बाद के हमारे बाकी। हिंदुओं में सबसे ऊपर कौन होता है माता जी? हमें और कौन होता है? दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय है, तीसरे नंबर पे वैश्य है, चौथे नंबर पे शूद्र है, जिसको आप लोग एससी एसटी और ओबीसी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, सुन लीजिए, उसके बाद इन मैं वही कहने जा रही हूँ, आप सुने पहले तो, उसके बाद इन चारों वर्णों को, ये वर्ण है, इन चारों वर्णों को आप एक में ऐड करिए तो वो सारे के सारे हिंदू हैं, ठीक है। आज जो है जितना जो मुस्लिम कन्वर्ट हुआ है, जो सिख में हिंदू हिंदू एससी एसटी कन्वर्ट हुआ है, जिनको जो है सिखों को बोला गया हिंदुओं से आप अलग हो जाओ, ये सारे ही हिंदू हैं। और ये जितने मुस्लिम और ईसाई में जो कन्वर्ट हुए, ठीक है, जिन आक्रांताओं के समय पे ये सब कन्वर्ट हुए, मार मार के कन्वर्ट, किसने बनाई? आक्रांताओं ने बनाई थी, बिल्कुल आक्रांताओं ने बनाई बनाई। अभी तो आप बोले थी बर शूद्र है, ये सब ये देखे, ये तो शुरू से था, मैं बता रही हूँ बनाई बर्न थे ये चार। अच्छा एक एक बात बताइए, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं तो अंगूठा छापू भाई। अच्छा एक बताइए, मान लीजिए आप ब्राह्मण समाज में पैदा हुई, अगर गलती से आप शूद्र समाज में पैदा हो जाती तब क्या करते? तो भी हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, मतलब मंदिर नहीं जाने देगा तो भी? किसने कहा मंदिर कौन नहीं जाता है? पुजारी नहीं बनने देगा तो भी? जिसने कहा है आप उसको मेरे सामने बुला के लाए, कोई पुजारी किसी को नहीं मना करता आज की तारीख में। ये सब ये जितना अगर है शूद्र या जो भी एससी एसटी ओबीसी का कोई भी कोटा बोलता है तो ये चीज गलत बोलता है। अच्छा मुझे पुजारी, मैं ब्राह्मण नहीं, मुझे पुजारी बनवा देंगी? मैं क्यों बनवा दूंगी, आपके अंदर उतने गट्स हो बनने के तो आप बन जाओ। कोई एग्जाम होता है पुजारी बनने का? होते भी है। कहाँ होता है? कहाँ होता है? जाइए बनारस यूनिवर्सिटी BHU। तो ये जितने मंदिर में पुजारी बैठे हैं सब एग्जाम देके पुजारी बने हैं? बहुत सारे एग्जाम दे करके भी बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिरों में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिना एग्जाम दिए भी बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो मैं कैसे पुजारी बन सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर उतने गट्स होने चाहिए, आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए, या मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ होता, पुजारी तो ब्राह्मण बनता है? बिल्कुल बनता है। तो ये तो जातिवाद हुआ ना बहन जी। तो ये तो आप जानेंगे, आप पूछिए लोगों को कि दूसरी जात का बंदा कैसे वहाँ, जब ब्राह्मण का उस पर अधिकार है पठन और पाठन और शास्त्रों पे, तो जो है दूसरा कैसे वहाँ पे बैठा है? दूसरी जातियों को नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरी जाति को नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कब मना किया? मैंने तो कभी नहीं मना किया, मैं तो कह रही हूँ, यहाँ तक कहती हूँ हिंदू एकजुट करें, मदरसों को छोड़ करके जो है मुस्लिम्स के बच्चों को भी उठ करके आगे आना चाहिए, और उनको भी जो है जिस स्कूलों में हमारे लोगों के सबके बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में जाके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मोदी जी ने कितने स्कूल कॉलेज खोले हैं? तलवार और पत्थर उठाने के बजाय जो है उनको भी जो है किसी को डॉक्टर बनना चाहिए, किसी को इंजीनियर, किसी को साइंटिस्ट और किसी को कुछ बनना चाहिए। तो मोदी जी ने कितने स्कूल कॉलेज खोले हैं पिछले 9 साल? ये आप उनसे पूछ लीजिएगा, मोदी जी से, मोदी जी आपको बता, उनके फैन है, प्रवक्ता। फैन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उनका पूरा इतिहास का चिट्ठा लेकर के बैठे हैं। काम नहीं पता उनको? क्यों काम नहीं पता? मैंने काम बताया नहीं आपको? सिलेंडर सस्ता हुआ कि नहीं? बिल्कुल 200 रुपए सस्ते हुए सिलेंडर के, पहले कांग्रेस के समय। सबसे ज्यादा आपको बता दूं उन्हीं लोगों का सस्ते हुए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जे कॉलोनी वाले, उन लोगों के सस्ते हुए, मुस्लिम महिलाओं के सस्ते हुए, आपको दुख हो रहा है? बिल्कुल होगा, मिडिल क्लास वालों को के तो नहीं होते, जब सबके होंगे तो उनके भी हो जाएंगे, ठीक है। सस्ता नहीं हुआ बहुत वो तो सबके, मैंने कहा जब सबके उनके होंगे तो सबके हो जाएंगे, अगर जो चीज लागू हुई है वो सबके लिए लागू है। तो मनमोहन सिंह के समय कितना में सिलेंडर मिलता था? मनमोहन सिंह के समय कितना में सिलेंडर? अरे मनमोहन जी से पूछ लीजिएगा, वो मनमोहन जी जो है, आप तब सिलेंडर पर खाना नहीं बनाते थे? नहीं बनाते थे, हम तो चूल्हा लकड़ी डाल यहीं से लकड़ी लेके जाते थे जंतर मंतर से और चूल्हे पे बनाते थे। मोदी जी आए तभी से सिलेंडर मिला है? मोदी जी आए सिलेंडर हमने नहीं आज तक लिया, समझे जी। तो हम कैसे खाना बनाती हैं? जैसे भी मर्जी वैसे ही बना लेते हैं। सिलेंडर गैस पर नहीं बनाती हैं? नहीं बनाते गैस पर। एक आखिरी सवाल बोल दीजिए, आप ब्राह्मण समाज की हैं, ये जो आरक्षण है उस पर क्या राय है आप? आरक्षण खत्म होना चाहिए,
आरक्षण खत्म, जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा और सबको एक समान माना जाएगा कि जितना जनरल कोटा है जितना आप ही कह रहे हैं कि हम ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं, मैंने क्या आपकी कहा? जाति श्रेष्ठ है तो मैं मतलब मेरी जाति श्रेष्ठ है का मतलब ये है SC ST और OBC वाले जो है वो लेंगे बाकी लोग इंसान नहीं, SC ST OBC इंसान नहीं है। हिंदुओं का आरक्षण, हिंदुओं के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं आप? हम हिंदुओं का क्या, आप क्यों बात को पलटते हो, आप बात को अपने पलट रहे हो। SC ST OBC तो हिंदू है, क्यों ब्राह्मण और ठाकुर और क्षत्रिय जो है हिंदू नहीं है, वो क्या और कहीं से रिजर्वेशन मिल गया 10%? किसने कहा कथनी करनी में बहुत फर्क होता है। लास्ट बता दे, आप बहुत अच्छा बोली, बड़ा अच्छा लगा मुझे और देश एकदम पूरा सुनेगा, गदगद हो गया, बिल्कुल सुनेगा। अब मुझे लास्ट बता दीजिए कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, प्लीज बता। क्यों क्या करना है, मैंने आपको बोला ना, मैं अंगूठा छापूं, एजुकेशन ही है बताने में क्या जरूरत। नहीं मुझे बताने में अंकल कुछ नहीं है, मैं बता दूं, सुन लीजिए। चेयरमैन के ये बहू हैं, कहाँ हैं, सुनिए, आप बता दीजिए, सर एजुकेशन बता दीजिए। मेरा नाम आशा शुक्ला है, डॉक्टर आशा शुक्ला, PhD है, मैं नेचुरोपैथ से डॉक्टर हूँ। दूसरी बात, मेरी क्वालिफिकेशन है डबल पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी लिटरेचर और सोशियोलॉजी से, ठीक है जी, थैंक यू। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो सवर्ण समाज का आदमी है वो सबसे ज़्यादा SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। कोई खिलाफ नहीं है जी, ये सब झूठ और बकवास की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो यही कहा, जनरली ये बोला है कि आप आरक्षण खत्म कर दो और किसी ना जनरल कोटा और SC ST OBC सब एक बराबर होना चाहिए, नौकरी हो या शिक्षा हो या कोई भी चीज हो, सब में सबको बराबर मिले। खिलाफ है ना, मैं खिलाफ कहा हूँ, मैंने कहा या आरक्षण दो तो सबको दो और नहीं तो किसी को भी मत दो, सबको दो। आप देखिए आपके घर में, आपके घर में अगर मान लीजिए मोहन भागवत ने कहा है कि आरक्षण रहना चाहिए जातिवाद, मैं मोहन भागवत जी से जाके पूछ लूंगी, आप ये सुनिए, नहीं सुना ये बयान, आप सुनिए, मोहन भागवत ने कहा है ब्राह्मण कुल के शिरोमणि है, RSS प्रमुख हैं, ब्राह्मण कुल में कितनों को नौकरियां दे दी गई हैं, सब अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, समझे, क्षत्रिय कुल में कितनों को नौकरियां दे दी गई हैं, ब्राह्मण सब अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। आपको, आप तो अभी कह रहे थे मोदी जी ने देश की किस्मत बदल दी, किस्मत तो बदल ही दी है आज, तब कैसे ब्राह्मण तब बेरोजगार कैसे, विदेशी यहाँ नहीं आते, आज किस्मत नहीं बदली होती तो आपको बता दूं कि जो है आज आप लोग जो है G20 नहीं देख रहे होते, आज चांद पर आप नहीं देख रहे थे, चांद पे हमारा भारत पहली बार गया है, अरे भारत जब गया था साउथ पोल पे तो पहले, तो इसरो किसने बनाया, साउथ पोल पे तो तीनों में से कोई नहीं गया था, इसरो किसने बनाया, नहीं बनाया इसरो, जब बना है तो वो जिसका नाम लिया जा रहा है, उसको नहीं मानेंगे, जवाहरलाल नेहरू का नाम हो रहा था, जवाहरलाल देश आजाद किसने कराया था, जवाहरलाल नेहरू पहले ही मर चुका था और देश जो है देश किसने आजाद कराया, मैंने कराया था, मेरे बाप दादाओं ने कराया था, बोलिए जिन लोगों ने कराया था उनकी बेटे बेटी उनकी बीवी उनकी जो है माँ का किसी ने ख्याल रखा, उस टाइम तो कांग्रेस थी, कांग्रेस कहाँ मर गई थी, माँ का ख्याल नहीं रखा, RSS के लोग आजादी की लड़ाई में थे, अरे यार RSS कहाँ आ गई, उस समय RSS कहाँ थी, जिन्होंने देश को 1925 में RSS, अरे छोड़ो आप लोग गलत मत कहानी सेट करा करो, आप सही कहानी पे आओ, जिन लोगों ने इनका सोचिए, अब रुकिए, इन्हीं के समाज के लोग जो ब्राह्मण समाज के लोग ही मीडिया में है, रुकिए ना भाई, ब्राह्मण समाज के लोग मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, अपनी मेहनत और वो अपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी है, वो अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी और अपने बल पे है, और जो है कोटे पे नहीं है कि हमें ये आरक्षण इतना परसेंट मिल जाए उतना परसेंट आरक्षण मिल जाए, आरक्षण को गलत, आप संविधान के आरक्षण को गलत कह रही हैं, संविधान का क्या आरक्षण, अब संविधान क्या आरक्षण, संविधान को ये जो संविधान है वो अच्छा है, आप नौकरी का आरक्षण पढ़ाई का आरक्षण कर रहे हो, नौकरी और पढ़ाई के आरक्षण पे आइए, नौकरी और पढ़ाई के आरक्षण पे सबको बराबर का आरक्षण मिलना चाहिए और नहीं तो सबको बंद करो, आपको आपको पता है, आपको पता है इस देश में ब्राह्मण समाज ने बाकी जातियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, किसने कहा ये, अरे सुन लीजिए, RSS प्रमुख मोहन भागवत, ऐसे ही होता तुम मदरसे ना खोले गए होते, कांग्रेसी, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं को, कांग्रेसियों ने मुल्लों ने अपने से आगे जो है उन लोगों के मुस्लिम, अरे आप मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, किसी को मना नहीं, हमारे यहाँ तो गुरुकुल चल रहे थे, हमारे यहाँ तो बच्चे उस जमाने में गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, पहली बार भारत में महिलाओं के लिए स्कूल किसने खोला,
जिसने खोला नहीं खोला हमें उससे मतलब, आप उल्टी सीधी बातें मत करो, आप उल्टी सीधी बातें मत करो, सीधी बातें आरक्षण बंद होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए, कोई भी एग्जाम होता कोई भी टेस्ट हो कंपटीशन होना चाहिए और उस कंपटीशन में जो पास आउट हो चाहे एससी एसटी ओबीसी का बच्चा हो और चाहे ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य का बच्चा हो, जो पास आउट होगा उसको नौकरी दी जाए और जो नहीं पास आउट होता है उसको जीरो पे हटा करके, आरक्षण वाला पास नहीं करता है क्यों, आरक्षण वालों को तो इतने परसेंट कोटे के हिसाब से मिलता है। सुनो सुनो मैं एक बात कहूँ, ये बिहार का, अब बिहार का सत्यानाश इन्हीं जैसे लोगों ने मार दिया, तो लालू ने कर दिया सत्यानाश, नीतीश नीतीश तो थाली भर का बैगन है, कभी इधर फिसलता कभी उधर फिसलता है, समझे जी, ये बिहार का सत्यानाश आपके लालू ने किया, लालू के बाद लालू के बच्चे ने किया, समझे जी, आप बोल देना। बिहार में कितने कितने अपर कास्ट मुख्यमंत्री हुए हैं भाई साहब, मैं बिहार के नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश, लालू जी के बारे में खाली पता है, पता है बिल्कुल पता है। सोचिए कितना कैसे हिंदू एकजुट होगा जब जाति के नाम पर लोगों के मन में इतना एकजुट हो रहा है, लेकिन जो है मीडिया उल्टा उल्टा दिखा करके ना एकजुट होना बंद करा। लालू यादव हिंदू नहीं है, लालू यादव हिंदू है, चारा घोटाला क्यों किया था, गाय और भैंस के जो है चारे को क्यों खाया था, अब विजय विजय माल्या का नाम जानती है, गैया बिटिया एक ब्राह्मण बिटिया पढ़े जाए, विजय माल्या का नाम जानती है, अरे विजय माल्या का जानते हैं, विजय माल्या को मैं करोड़ लेके भागा, वो तो कांग्रेस का था बंदा, कांग्रेस ने ही उसका वो किया था, जो लेके भागा उसके बाद पकड़ा कांग्रेस ने ना, बुलाया मनमोहन सिंह तो बैठे हुए, भागा है उसको, अरे वो पता कर, तो सोचिए कितना जातीय नफरत भरा हुआ है। अब आप हमें बोलने दीजिए, सोचिए आप अंदाजा लगाइए इस देश में, मीडिया में नफरत मत फैलाओ, मीडिया में अगर जो है हिंदू एकजुट है, एकजुट था और एकजुट ही रहेगा, कैसे हिंदू, आप तो हिंदू आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आप आरक्षण का कर रही हूँ ना मैंने, मतलब आप पुजारी आप बनेंगी, अधिकारी आप बनेंगी, बाकी हिंदू खाली चढ़ावा चढ़ाए, तो पुजारी ना बने, न लोग न दान पेटी की चाबी दे, न ट्रस्टी दे, तो हमें बनवाइए ना राम मंदिर का ट्रस्टी, ये वर्ड कहे नहीं है, मैं हिंदू हूँ मुझे राम मंदिर का ट्रस्टी बनवाइए, मैं क्यों बनवाऊँ, मेरे हाथ में, मैं प्रधानमंत्री हूँ क्या, जो मैं बनवा, कई बार जल गए आप, कई बार जल गए आप, तो मुफ्त में यानी कुछ करनी ना, कई बार जल गए कुछ, मैं 17 बार दिखाऊ कागज, इसी त्योहार में समाज के रखे आगे बढ़ाने के लिए, समाज की रक्षा के लिए 17 बार आप क्यों गए हो, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट है, हम लोग अपने काम करते हैं और जाते हैं और वापस भी आते हैं और सब सम्मान आते हैं। चलिए आप लोग अंदाजा लगाइए कि ये देश जातियों में कितना बटा हुआ है, जाति है कि जाति नहीं है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।